आज तारीख हो चुकी है 5 जून। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर, सभी आईपीएल टीमों को लेकर, क्रिकेटिंग जगत को लेकर कुल 8 बड़ी खबरें और 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको सभी 8 बड़ी खबरों के बारे में बताऊंगा। तो काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी है क्रिकेट के बड़े फैन, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं सभी 8 बड़ी खबरों की। तो जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आती है गौतम गंभीर की तरफ से। दरअसल गौतम गंभीर ने अब आईपीएल की समाप्ति के बाद एक बड़ा खुलासा किया। गंभीर ने बताया कि आईपीएल 2022 के एडिशन में इनको लखनऊ का मेंटोर बनने पर 2.75 करोड़ मिले थे, यानी 2.75 करोड़ इनको मिले थे, और सारे पैसे गौतम गंभीर ने यहाँ पर डोनेट कर दिए। कुल मिलाकर 5,000 लोगों के लिए यहाँ पर घर बनाने के लिए, उनके खाने के लिए यहाँ पर गौतम गंभीर ने पैसे खर्च या फिर पैसे डोनेट कर दिए। तो कुल मिला करें आईपीएल की सैलरी का एक भी पैसा, एक भी यहाँ पर कुछ रुपया यहाँ पर गौतम गंभीर ने अपने पास नहीं रखा है। गंभीर ने बताया कि जब तक आईपीएल में वो कोच मेंटोर के रूप में काम करेंगे, सारा पैसा वो डोनेट करते रहेंगे। तो कुल मिला करें काफी अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पर गंभीर ने लिया। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग ये गंभीर का सही फैसला है या फिर नहीं। बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। तो ये दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती है आईपीएल के मीडिया राइट्स को लेकर। दरअसल लगभग अब 7 दिन बाद 12 जून को आईपीएल के मीडिया राइट्स का ऑक्शन होगा, और इस ऑक्शन से पहले एक बड़ी खबर है कि अंबानी की कंपनी वियाकॉम 18 अब राइट्स खरीदने के लिए सबसे आगे दिख रही है, क्योंकि इस टीम ने स्टार स्पोर्ट्स के हेड उदय शंकर को यहां पर वियाकॉम 18 का हेड बना लिया। स्टार स्पोर्ट्स से डबल सैलरी देकर अपने चैनल अपने नेटवर्क के साथ जोड़ लिया। इसके साथ ही सोनी और स्टार के एम्प्लॉइज को, यानी काफी सारे कमेंटेटर्स को, काफी सारे कैमरामैन को इन्होंने अपने साथ जोड़ लिया। इसके साथ ही 10 स्पोर्ट्स चैनल इन्होंने लॉन्च करने की बात कर दी है। तो कुल मिलाकर वियाकॉम 18 अब स्टार स्पोर्ट्स सोनी की बराबरी कर रहा है यहां पर मीडिया राइट्स खरीदने के लिए, ये रेस में काफी आगे दिख रहा है। तो कुल मिलाकर अब यहां पर आईपीएल के मीडिया राइट्स के लिए हमें वियाकॉम 18 भी एक यहां पर काफी बड़ी लड़ाई करता हुआ दिखे, और अंबानी की ये कंपनी शायद मीडिया राइट्स को परचेस भी कर ले। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर कौन से चैनल को राइट परचेस करने की। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, क्योंकि 12 तारीख को आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मीडिया राइट का ऑप्शन लाइव देखने को मिलेगा, तो आप फटाफट ज्वाइन कर ले। बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी खबर की। तो जो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती है मुंबई के ब्रेविस और कायरन पोलार्ड की तरफ से। दरअसल मुंबई के ब्रेविस और कायरन पोलार्ड को यहां पर ट्रेड करने के लिए इस ट्रेड विंडो में गुजरात और आरसीबी ने मुंबई की टीम को प्रपोजल दिया। आरसीबी की टीम ने ब्रेविस को ट्रेड करने की बात करी, जबकि यहां पर कायरन पोलार्ड को हार्दिक पांड्या की गुजरात की टीम ने ट्रेड करने की बात करी। तो मुंबई के पास इन दो टीमों का आज की तारीख में प्रपोजल है। दोनों टीमें यहां पर मुंबई के इन दो खिलाड़ियों को ट्रेड करना चाहती है। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि मुंबई की टीम इस विंडो में आखिर इनको ट्रेड के लिए अलाउ करती है या फिर नहीं। वैसा आप कमेंट करके बताइए अगर मुंबई की टीम इन दो खिलाड़ियों को आखिर ट्रेड के लिए अलाउ करती है, तो मुंबई को इनके बदले में कौन से खिलाड़ियों को लेना चाहिए। अब बात कर लेते हैं चौथी बड़ी खबर की। तो जो चौथी बड़ी खबर निकल कर आती है दीपक चहर की तरफ से। दरअसल कल दीपक चहर की शादी के बाद रिसेप्शन में यहाँ पर काफी सारे क्रिकेटर मौजूद थे। आप अपनी स्क्रीन पर फोटोज देख पा रहे होंगे, ऋषभ पंत और भी काफी सारे क्रिकेटर अब यहाँ पर क्रिकेटरों ने इनकी यहाँ पर रिसेप्शन अटेंड करी थी। खबर है कि एमएस धोनी ने भी यहाँ पर रिसेप्शन यहाँ पर अटेंड करी थी, लेकिन शायद एमएस धोनी की फोटोज यहाँ पर वायरल नहीं हुई, एमएस धोनी की फोटोज यहाँ पर लीक नहीं हुई। अब बात कर लेते हैं पांचवी बड़ी खबर की। तो जो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती है उमरान मलिक की तरफ से। दरअसल इस आईपीएल एडिशन में यहाँ पर 157 की स्पीड से गेंदबाजी करने के बाद उमरान मलिक ने अब इंटरनेशनल क्रिकेट में सिलेक्शन के बाद एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। उमरान मलिक ने यह बताया कि वो यहाँ पर पूरा प्रयास करेंगे कि इंटरनेशनल क्रिकेट में वो शोएब अख्तर की फास्टेस्ट डिलीवरी के रिकॉर्ड को तोड़ दे। शोएब अख्तर ने 162.5 की स्पीड से 2003-2004 में यहाँ पर बॉल फेंकी थी, उस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए इन्होंने ये बताया कि यहाँ पर वो पूरा प्रयास करेंगे, और होपफुली उन्होंने ये बताया कुछ सालों में वो यहाँ पर शोएब अख्तर के यहाँ पर फास्टेस्ट बॉल के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या उमरान मलिक ये रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे या फिर नहीं। अब हम बात कर लेते हैं छठी बड़ी खबर की। तो छठी बड़ी खबर निकल कर आती है टीम डेविड की तरफ। दरअसल टीम डेविड ने इंग्लैंड में चल रही T20 ब्लास्ट में कल एक और धमाकेदार इनिंग्स के लिए यहाँ पर पिछले लगभग 7-8 इनिंग से इन्होंने 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करी, अपनी टीमों को लगातार मुकाबले जिताए। कल एक बार फिर से इन्होंने 26 बॉल में 42 रन की पारी खेलकर अपनी टीम को मुकाबला जितवा दिया है। कुल मिलाकर टीम डेविड का आईपीएल के आखिरी 4-5 मुकाबलों में और यहाँ पर T20 ब्लास्ट के लास्ट 4-5 मुकाबलों में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है मुंबई की टीम का। अब ये डिसीजन काफी सही लग रहा है कि मुंबई की टीम ने इनको 8.5-8.25 करोड़ का बड़ा अमाउंट देकर परचेस किया था मुंबई के लिए। ये पोलार्ड के बाद एक लंबे समय तक फिनिशर रहेंगे। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या टीम डेविड
को यहाँ पर ट्रेड करने के लिए मुंबई की टीम के पास किसी टीम को आखिर प्रपोजल भेजना चाहिए या फिर अब बात कर लेते हैं सातवीं बड़ी खबर की। तो जो सातवीं बड़ी खबर निकल कर आती है कोलकाता की तरफ से। दरअसल कोलकाता की टीम ने यहाँ पर अब इस टीम के लिए ब्रेंडन मैकलम के चले जाने के बाद अब नए हेड कोच की तलाश शुरू करी और नए हेड कोच के लिए इस टीम ने यहाँ पर आशीष नेहरा के साथ अप्रोच करी। आशीष नेहरा ने यहाँ पर इस साल हमने देखा है गुजरात को आईपीएल का विनर बनाया, तो यहाँ पर आशीष नेहरा के साथ इस टीम ने अप्रोच करी है। लेकिन आशीष नेहरा का गुजरात के साथ ऑलरेडी 3 सालों का कॉन्ट्रैक्ट है, तो शायद वो गुजरात को छोड़कर यहाँ पर कोलकाता के वो कोच ना बने। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग कोलकाता को आखिर कौन से पूर्व क्रिकेटर को अपना कोच बनाना चाहिए। बात कर लेते हैं आठवीं और आखिरी बड़ी खबर की। तो जो आठवीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती है राजस्थान रॉयल्स के यहाँ पर तेज गेंदबाज ओबेड मोके की तरफ से। दरअसल ओबेड मोके ने इंग्लैंड में जाकर टी20 ब्लास्ट में पिछले 2 मुकाबलों में 9 विकेट ले लिए। पहले मुकाबले में इन्होंने 33 रन देकर 5 विकेट लिए थे, दूसरे मुकाबले में 30 रन देकर 4 विकेट लिए थे। काफी इंप्रेसिव इनका प्रदर्शन रहा है। तो कुल मिलाकर अब राजस्थान की टीम इनको कंफर्म रूप से रिटेन करी, राजस्थान के लिए इनका रिटेन होना था। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग राजस्थान को आखिर इस साल कौन कौन से प्लेयर्स को रिटेन करना चाहिए। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।